नमस्ते मैं हूं कांस्टिया स्वागत है आपका इस सेशन में so, रिलेटेड सारी की सारी डिटेल अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये वाले सेशन में सो so, एंड अगर आपका अटेम्प्टर कौन से अटेम्प्ट के लिए है ये अगर आपका अटेम्प्ट जैन ट्वेंटी May 25 डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट है वो लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है क्योंकि उनके टी वाई बी कॉम के एग्जाम के बाद अप्रोक्सिमेटली उनका अटेम्प ड्यू होता है तो हो सकता है उनका सेप्टेंबर ट्वेंटी फाइव यू कुछ लोगों का मे ट्वेंटी फाइव है कुछ का जैन ट्वेंटी फाइव है तो ये सारे के सारे है उसके बाद वाला भी आपका कभी अटेम्प्ट है सो ऑल ऑफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस बैच तो सर इस बैच के डिटेल्स के बारे में बताइए सो दैट वी कैन गेट एनरोल्ड एनरोज सुन एज पॉसिबल जी हाँ तो चलो आओ समझते हैं ये सब सारी डिटेल्स सो so गाइज ये है पूरा का पूरा आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच तो ऑब्वियसली कुछ लेक्चर्स में लाइव लूंगा कुछ रिकॉर्डेड uh, मिल जाएंगे जो इजी इजी चैप्टर्स है या। वन सेवेंटी फाइव आर्स का ये कंप्लीट रेगुलर बैच है एंड एफ एम का भी कंप्लीट रेगुलर बैच है टाइमिंग्स इवनिंग फाइव पी एम आप लोग को मैं मिलूंगा डेली दोनों के लिए कॉस्टिंग हो या एफ एम एंड ये दोनों थर्ड अक्टूबर एंड फोर्थ अक्टूबर रिस्पेक्टिवली स्टार्ट हो रहे हैं क्या डेज होगा सो मंडे टू थर्सडे अपना फोकस रहेगा कॉस्टिंग के ऊपर एंड सैटरडे संडे अपना फोकस रहेगा एफ के ऊपर सर कब तक अपन लोग फ्राइडे एंड सैटरडे रहेगा एफ के ऊपर और जैज एंड वेन रिक्वायर्ड मैं एक्स्ट्रा लेक्चर भी लूंगा सो दैट वी आर ऑन टाइम थर्टी ऑफ दिसंबर तक मेरा प्लान है कंप्लीट करने का

स्टूडेंट्स भी इसमें एनरोल कर सकते हैं वन सेवेंटी फाइव एंड सेवेंटी फाइव आर्स का मतलब एक कॉम्प्री बैच है आप लोगों के लिए तो आपको इसके अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अप्रोक्सी थ्री आवर्स पर डे ये बैच होगा डेव पी एम से टाइमिंग so आप समझ के चलिए क्या मिलने वाले कहां से पढ़ने वाले अपन ऑप्टिमाइज्ड एंड मैजिक बुक से जो अब मैं आने वाले ये मेरे सेशन है इसमें आप लोगों को जरूर बताऊंगा एंड आपको एंड तक साथ में रखने के लिए वी विल इंश्योर दैट देर आर रिविजन है आपके अटेम्प के लिए लेट्स ट्राई एंड कीप अ लाइव रिविजन बैच सो दैट आप लोगों के डाउट भी ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाए एंड एग्जाम तक भी कोई टेंशन नहीं सर क्या अप्रोच रहेगा सर हमको अगर कॉस्टिंग तो फर्स्ट टाइम पड़ रहा है लाइफ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोगों को कुछ उसका आइडिया ही नहीं है तो कैसे आपका अप्रोच रहेगा सो so, मेरा अप्रोच बहुत सिंपल है आप लोगों को चाहिए तो मैं नीचे इधर कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में मेरे डेमो लेक्चर भी दे दूंगा तो आप देखो उससे आपको फील आ जाएगा दैट यस yes, अपना वाइब मैच हो रहा है एंड दैट इज हाउ आई विल अप्रोच द होल सब्जेक्ट एग्जाम्पल्स दूंगा बहुत सारे

प्लस आईसीए बीओ में अगर कोई चीज इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस करता है देन ऑल ऑफ दिस विल बी कवर सो इन शॉर्ट जैसा मैंने बोला एक बार ये बैच कर लिया ना उसके बाद में अलग से आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है हाँ मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दूंगा सो so दैट आप लोगों को अभी सेल्फ प्रैक्टिस होते रहे अदरवाइज सेल्फ प्रैक्टिस अपन करते नहीं है एंड दैट विल बी डिस्क इन द्लास ऑल्सो इनकेस यू हैव एनी डाउट वॉट सो एवर सो आपको कभी भी कोई डाउट आता है मैं आपको मेरा व्हाट्सऐप नंबर दे रख रहा हूं डेफिनेटली यू कैन व्हाट्सएप मी And I will ensure that your doubts are covered up. अपलर टेस्ट रखेंगे अपन लोग ट्राई करेंगे कि एक-एक चैप्टर होते जाएगा उसके बाद कुछ टेस्ट कंडक्ट करते जाए एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू तो हमारे वेबसाइट के ऊपर ही हम डायरेक्टली कंडक्ट करते हैं सो दैट विल ऑल्सो भी यूजफुल टू यू फिर बाद में कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी मटीरियल मिलने वाला है जैसा मैंने बोला आपको अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी दैट इट विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दिस एंडस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बहुत सारे भर भर के फॉर्मूलाज इतने सारे फॉर्मूलाज आपका छोटा सा नन्ना सा दिमाग याद नहीं रख पाएगा बट अगर वही चीजें मैंने डिराइव करके आप लोगों को दे दी देन इन दैट केस थिंग्स विल बी वेरी स्मूथ बस यही मैं करने वाला हूँ फॉर्मूला को डिराइव करने वाला हूँ एट एवरी पॉइंट इन टाइम ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े ऑटोमेटिकली चीजें ध्यान में रहे अब जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि ये देखो ये अपना बुक जैसे अगर एग्जाम्पल लेता हूं, मैं का, तो cost, करके आपका एक 3 है पास पेपर एलोकेशन है, पे है? सबसे पहला स्टडी भाई पूरे चैप्टर में कितने सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना अपन लोग क्या करते हैं एक चैप्टर स्टार्ट होते हैं एंड तक भूल भी जाते हैं कि यार ये चैप्टर में क्या क्या कितना अपन लोग ने पढ़ा था सो so इसी के लिए मैंने ये बनाया so सो जो, जो होते जाएगा यू विल पुट द टिकमा

इससे आपको भी पता चलते जाएगा कि हाँ भाई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कितना अच्छी तरह से आपका हो गया है फिर आपको लग रहा है कि यार मेरे को कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में एग्जाम के दिन पे तो देखना ही पड़ेगा यार याद रहेगा कि नहीं तो आप उसको ऐसे स्पेसिफिकली हाईलाइट कर सकते हो डे पे जब आप अपना ओपन करोगे ऑप्टिमाइज का बुक तो सीधा आपको बताइए आप सीधा का सीधा वो पेज नंबर पे जाओगे एंड यू विल गेट टू नो वॉट इज टू बी स्टडी राइट तो यह आपका भी टेंशन दूर हो गया है हर एक चैप्टर के पहले आपको मिलेगा एक प्रीव्यू सो दैट एक माइंड में फिगर क्रिएट हो जाए दैट ओके अब अपने को यह सारी चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़नी है ठीक है कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल तो ऐसा नहीं खाली को है प्रैक्टिकल क्वेश्चन उनके सोल्यूशन भी बुक में इंक्लूडेड है प्लस एग्जाम में जो थियरी आ सकता है इंस्टीट्यूट के पूरे मॉड्यूल का थियरी भी इंक्लूडेड है सो so दैट आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े समझ में आ गया सो दैट्स वर्क देखो यहां पर अब जैसे

कहीं पे कुछ थोड़ा जोकिंग फॉर्म में रखा है चीजें याद रहे तो भाई अगर हमारे जो जेठालाल है वो जेठालाल और बक्का जो है, वो अगर रोज खाना खाते हैं दैट इज अ नॉर्मल आइडल टाइम उतना तो होने वाला है बट अगर वो ही वो अपनी फ्रेंड को मिलने को चले जाता है तो जेठालाल को गुस्सा आएगा बिकॉज दैट इज अब नॉर्मल आइडल टाइम अब ये चीज अपने को याद रहेगी जिंदगी भर वाई बिकॉज ऑफ दिस पिक्चर सो दैट्स द होल इंटेंशन ऑफ गिविंग यू ओवर टाइम क्या होता है एंड ऑल ऑफ that अब इसी के बाद अगर तुम लोग आगे बढ़ोगे देन तुम को मिलेंगे क्वेश्चन एंड एट वन प्लेस और ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लोगों को यहां पे मिल जाएंगे सो so, ये करने के बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं ये देखो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का ही सोल्यूशन सो दैट इंस्टीट्यूट का जो पैटर्न है उसको अपन लोग फॉलो कर रहे हैं एंड दैट इज वॉट ईच वन ऑफ अस वॉन्ट तो कभी कोई नोट्स मिस हो गया या कुछ हो गया तो यू डोंट हैव टू वरी भाई बिकॉज़ आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें सारा का सारा डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ चीजें आपके पास अवेलेबल है गॉट इट गाइस ओके और उसके बाद में जब अपने को एंड में फार्मूलास रिवाइज करना है तो सारे के सारे चैप्टर का समरी है विथ द रिक्वायर्ड फॉर्मूलाज यहां पर रिलेटेड हाल से प्रीमियम रोवन से रिलेटेड फॉर्मूलाज है एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी टर्न ओवर से रिलेटेड फॉर्मूलाज है सब ये चैप्टर के एंड में आ गया तो स्टडी मेंटर ट्रैकिंग ऑफ पास्ट एग्जाम से अपन लोग ने स्टार्ट किया प्रिव्यू किया थ्योरी देखा प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स देखा फिर बाद में ये देखो एंड में चैप्टर का एक समरी देख लिया और फाइनली सारे के सारे formulas का एक कंपाइलेशन देख लिया यहाँ पे और क्या चाहिए सो दैट इज हाउ कॉम्प्रिहेंसिवली द होल बुक इज मेड एंड बस यही आप लोगों को भी प्रेजेंट की जाएगी डिफोर योर एग्जामिनेशन सेम इज द केस विद योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर ये चैप्टर है तो इसका भी देखिए स्टडी मेंटर है वही अपना सिस्टम जो है वही रहेगा प्रीव्यू होता है फिर बाद में यहाँ पे देखो थ्योरी आ गया थ्योरी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स है जैसा मैंने आपको बोला था मेरा अप्रोच होता है कि मैं एग्जाम्पल्स पहले देता हूं लाइफ एग्जाम्पल्स देता हूं आप लोगों को जिससे आप कनेक्ट करके पे पहुंच सकते हो पे पहुंच सकते हो एंड फाइनली फिर आपको मिल जाएगा फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन ये सब अपन क्लास में करने वाले हैं सो आई होप वी आर नाउ कॉन्फिडेंट विद ऑल देखो फॉर्मुलाज आप लोगों को एकदम ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है कि आपको याद रहे और पढ़ने का मन करेगा बुक so okay, so आप सर आपकी समरी बुक के बारे में बहुत सुना है मैजिक बुक के बारे में बहुत सुना है तो ये रहा सो so से अगर ये मेरा मैजिक बुक है कॉस्ट uh, शीट का पूरा तो का पूरा फॉर्मेट एक जगह पे आपको मिल गया फिर वो फॉर्मेट का क्लासिफिकेशन फिर उसमें जो जो भी चीजें अपने को काम की लग रही है वो अपन लोग ने यहाँ पे ले लिया है एंड देन इवेंचुअली मेरे को जो इंपॉर्टेंट जैसे फॉर एक्साम्पल एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट शीट थियोरी के लिए आता है कौन से मिसलेनियस पॉइंट्स है कौन सी चीजों को एड करना है लेस करना है कॉस्टशीट में वो सारा यहाँ पे आ गया है इंक्लूशन एंड एक्सक्लूशन का एक प्रॉपर टेबल आ गया है क्या चाहिए और आपको लाइफ में और मास्टर सम्स एग्जाम के दिन पे सारे सम्स तो रिवाइज नहीं होंगे तो एग्जाम के दिन पे कौन से सम रिवाइज करने हैं वो मैजिक बुक में जो दिया हुआ है बस उतना प्रॉपरली कर लिया तो मास्टर सम्स है बाय डिफॉल्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो जाएंगे गॉट इट गाइस सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट ओवरऑल इन द होल सिनेरियो सो बस ये अगर आपको भी चाहिए तो डू एनरोल विद अस कवरेज वाइज टीचिंग वाइज डेमोज बहुत सारे मेरे हैं वो आप देख सकते हो एवरीथिंग इज देयर आपको पे रजिस्टर करना है हमारी वेबसाइट है वहाँ पे आप लोग जब सी एम इंटर पे जाओगे तो so आप लोगों को ये सारे बैचेस मिल जाएंगे बेनिफिट ऑल्सो कैन बी टेकन सो आप लोग फॉर्म बेस हो जाएगा भाई वन फिफ्टी मार्क्स मेरे पास है वो वन फिफ्टी में से वन फिफ्टी लाने की कोशिश करेंगे अपन एंड दैट इज वॉट आर एंड इंटेंट शुड बी आप पूछेंगे सर आउट ऑफ फुल कैसे आ सकता है जैसे हमारे ये स्टूडेंट को आया है जी हाँ अरिंद जी को आया हुआ है हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड इन आर सी कॉस्टिंग आर स्टूडेंट फ्रॉम राजस्थान एरियस तो आप भी ला सकते हैं डेफिनेटली सो आपको चाहिए तो आप लोग यहां से रजिस्टर करके यू कैन डू द थिंग्स सो मैचेस के बारे में अगर मैं बताऊं तो

आई होप आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन काफी हेल्पफुल हुआ होगा एंड अगर आप लोग ज्वाइन करने का सोच रहे बट और भी कुछ डाउट्स है दिमाग में सो so आप लोगों को मैंने मेरा नंबर uh, भी दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है आप लोग यहाँ पे मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं या स्पेसिफिक कोई डाउट हो तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं आई विल बी हैप्पी टू आंसर ओके टाइम फॉर मीडू से कीप स्माइलिंग थैंक यू सो मच मिलते हैं बैच में विद फुल विथ जोश पॉजिटिविटी एंड फोकस टू स्कोर हंड्रेड और वन फिफ्टी आउट ऑफ आउट कीपाइलिंग आपका फोटो चाहिए मुझे